में मौजूद होगी और इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद होगी, और वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह धांधली की गई। ये दोनों बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और साथ और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। तो आते हैं पहले मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब ने मीडिया पे बैठकर और अपने ट्विटर अकाउंट पर यह ट्वीट किया है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में किन किन का हाथ था, क्योंकि अरशद शरीफ का वो लफ्ज़ वो फिक्रा मुझे याद आ रहा है कि जिसमें अरशद शरीफ ने यह कहा था कि वो कौन था। यह सवाल अरशद शरीफ का, यह सवाल वाजह हो रहा है कि वो कौन था मौलाना साहब के इस बयान पर। लेकिन मौलाना साहब ने भी कुछ पूरा सच नहीं बोला, लेकिन सच बोलना उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि थोड़ा सा अगर सच बोल के बोलना पड़ा तो उन्होंने बोला। क्यों? वो इसलिए कि उन्हें अब अपना सियासी कैरियर बचाने के लिए इमरान खान की उंगली की ज़रूरत है। वो सियासत में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें इमरान खान की उंगली पकड़ने की ज़रूरत पड़ गई। इस वजह से मौलाना साहब ने सच बोला, क्योंकि अगर मौलाना साहब आज इस मौके पर इतना सच ना बोलते तो इनकी सियासत ज़ीरो थी, या ये कहें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, दफन हो चुकी थी। और यह दफन हुई कैसे? ये अवाम की ताकत से दफन हुई, अवाम के वोट की ताकत से ख़त्म हुई। और इसी तरह चंद दिनों में नून लीग की भी हुकूमत और सियासत दफन होने वाली है, क्योंकि मौलाना साहब ने वाजे फरमाया, बताया आप मीडिया पे कि जनरल फैज साहब ने हमें बुलवाया, पहले वो मेरे पास आए, आके उन्होंने मुझसे कहा कि आप सब को सड़कों पे निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने हाउस के अंदर से तमाम काम करने, और उसमें हमारे साहब के जस्टिस बंदयाल साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी इस तमाम साजिश में हिस्सेदारी थे, अदालतें मुलव्वस थी, आर्मी मुलव्वस थी और तमाम सियासतदान मुलव्वस थे। ये तमाम चीज़ साबित होती है मौलाना फजलुर्रहमान साहब के बयान से। तो मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने कहा कि जब जनरल फैज मेरे पास आए उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने हाउस के अंदर से काम करना है, ना कि हमने बाहर सड़कों पर निकल के धरने देने। तो फिर मैं बाकी पार्टियों के पास गया, तमाम पार्टी हम लोग तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो एंकर के पूछने पर जब वो एंकर ने पूछा कि क्या पीपल पार्टी और नून लीग भी मौजूद थी, तो मौलाना साहब क्या, हाँ हम सब वहाँ पे मौजूद थे जब जनरल फैज और कमरवीर बाजवा वहाँ पे आए, और उन्होंने हमें बताया कि इस तरह हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, और उसमें अदालतों ने बड़ा किरदार अदा किया इमरान खान की उस वक्त हुकूमत को गिराने में। यह इंकशाफ किया मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने, और मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने कहा कि अब बातों से नहीं मैदान में फैसले होंगे, अब सीधे सीधी बातें होंगी, जंग होगी। क्योंकि मौलाना साहब को अब सीट पीडीएम की तरफ से तो नहीं मिली, लिहाजा उन्हें अगर अपनी साख्त बचानी है, अपनी सियासत बचानी है, तो उन्हें इमरान खान की उंगली पकड़नी पड़ेगी। और ये भी बात से साफ साबित हो जाता है कि जब अरशद शरीफ लेटर भेज रहा था सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मुझ पर ये केसेस किए जा रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, तो उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें मुल्क से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, और ना सिर्फ निकलने पर मजबूर कर दिया गया बल्कि अरशद शरीफ को कत्ल भी कर दिया गया। क्योंकि 76 सालों में एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जो सच बोल रहा था और इनकी जड़ों में पहुँच चुका था, जिसने इनके तमाम कारनामे देख चुका था, जो जानता था कि इन्होंने ये तमाम हरकत की है, और वह बंदा सच बोल रहा था, तो उसे शहीद कर दिया गया। और देखा जाए तो मौलाना साहब ने अभी भी पूरा सच नहीं बोला, अगर मौलाना साहब अभी भी पूरा सच बोले तो बात कुछ और निकलेगी, बात किसी और नुक्ते पे जाकर रुकेगी। तो मौलाना साहब ने अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपा रखी हैं अपने पेट में, इनका पेट फटेगा, इनके पेट से और चीज़ें निकलेंगी, और सिर्फ इनकी नहीं, अभी और बहुत सारे सियासी जमातों के पेट फटने हैं, उनके पेट से बहुत सी चीज़ें निकलनी हैं, उन्होंने जहाँ पर सच बोलना है।
सच बोलना है, और सच बोलने पे आर्टिकल 6 सब पे लगना है, तमाम उन ताकतवर हलकों पे भी लगना है जिन्होंने सहूलतकारी की, और तमाम उन जजेस पे भी जिन्होंने सहूलत अदालतों पे जिन्होंने सहूलतकारी की इमरान खान की हुकूमत को गिराने में मौलाना साहब के इस बयान के बाद। यह चीज़ तो साफ होगी कि मौलाना साहब ने अब अगर अपनी सियासत बचानी है तो इमरान खान की उंगली पकड़ना लाजमी था, इसलिए उन्होंने सच बोला। और या साथ में ये भी कहा, हमारे जो दोस्त पहले धरने वगैरह देते थे वो ठीक था, लेकिन अब कुछ और नज़रिए से और तरीके से हम निकलेंगे बाहर। ये मौलाना साहब के अल्फाज है, वही मौलाना साहब जो कुछ ही अरसा पहले तक इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, दोस्त लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, अपनी सियासी साख बचाने के लिए। लेकिन ये जो बोला है वो सच है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन लाइव टीवी पर बोला है, प्रोग्राम में बोला है, और ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि ये तमाम साजिश करने में, इमरान खान की हुकूमत को गिराने में हमें बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ने ऑर्डर दिए थे, और हमारी सहूलतकारी अदालतों ने की थी, इसी वजह से तो अदालतें रात को 12 बजे खुल गई थी, खुलते सर फैसला हो गया था, इधर खुली एक घंटे में फैसला कर दिए गए कि इमरान खान को गिरा की हुकूमत गिरा दी जाए। और वही के पेट से बहुत सी चीज़ें निकलनी है, उन्होंने जहाँ पे सच बोलना है और सच बोलने पे आर्टिकल 6 सब पे लगना है, तमाम उन ताकतवर हलकों पे भी लगना है जिन्होंने सहूलतकारी की, और तमाम उन जजेस पे भी जिन्होंने अदालतों पे जिन्होंने सहूलतकारी की इमरान खान की हुकूमत को गिराने में मौलाना साहब के इस बयान के बाद। यह चीज़ तो साफ होगी कि मौलाना साहब ने अब अगर अपनी सियासत बचानी है तो इमरान खान की उंगली पकड़ना लाजमी था, इसलिए उन्होंने सच बोला। और या साथ में ये भी कहा, हमारे जो दोस्त पहले धरने वगैरह देते थे वो ठीक था, लेकिन अब कुछ और नज़रिए से और तरीके से हम निकलेंगे बाहर। ये मौलाना साहब के अल्फाज है, वही मौलाना साहब जो कुछ ही अरसा पहले तक इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, दोस्त लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, अपनी सियासी साख बचाने के लिए। लेकिन ये जो बोला है वो सच है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन लाइव टीवी पर बोला है, प्रोग्राम में बोला है, और ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि ये तमाम साजिश करने में, इमरान खान की हुकूमत को गिराने में हमें बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ने ऑर्डर दिए थे, और हमारी सहूलतकारी अदालतों ने की थी, इसी वजह से तो अदालतें रात को 12 बजे खुल गई थी, खुलते सर फैसला हो गया था, इधर खुली एक घंटे में फैसला कर दिए गए कि इमरान खान को गिरा की हुकूमत गिरा दी जाए। और वही इमरान खान जिसका केस पिछले 2 साल से चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं हो रहा उस पर, क्यों फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि अदालतें खुद मुलव्वस हैं इस मामले में। अगर अदालतों में इंसाफ होता तो अब भी इमरान खान के फैसले हो गए होते, उनके केसेस खत्म हो गए होते, उसे इंसाफ मिल गया होता, यहाँ तक कि अरशद शरीफ के कातल अब तक पकड़े गए होते, जिल्ले शाह के कातल पकड़े गए होते, लेकिन नहीं हो चुका, क्योंकि एक बलूचिस्तान के केपीकी के एक एसपी साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिर्फ आर्मी की गाड़ियों में तलाशी लेने दी जाए तो फिर पूरे मेरे शहर में कहीं पर भी कोई बम धमाका हो तो मुझे पकड़ लीजिए, तो उन्हें भी 24 घंटे के अंदर अंदर मार दिया गया था। खबर आई थी कि उन्हें किसी नामालूम शख्स ने गोली मार के मार दी, वो नामालूम शख्स कहाँ से आया, किसने गोली मारी, कौन था वो जिसके कहने पे गोली मारेगी, ये अल्फाज ये अरशद शरीफ का सवाल कि वो कौन था, बहुत चुभेगा इनको, अब वो कौन था सबके सामने आ रहा है, सबकी ज़ुबान पे आ रहा है, सबको पता चल गया है वो कौन था, किसने सहूलतकारी की थी। और अब 2024 के इलेक्शन में जब अवाम ने तमाम झूठे फ्रेबों की दीवारें फ्रेम की दीवारें गिरा दे, पर्दे चाक कर दिए, पर्दे चाक करने के बाद अब ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई, और ये पावर है अवाम की, अवाम के वोट की पावर है जिसने इन सब को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। और उसकी पहली कड़ी मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने आज टीवी पे सच बोला है, और इसी तरह ये तमाम लोग भी सच बोलेंगे, तमाम लोगों की मजबूरी बन जानी है सच बोलने। और आप आते हैं दूसरी खबर की तरफ, तो दूसरी खबर जो मैं आपको बताने, जो मैंने शुरू में बात की कि
पीटीआई के तमाम उम्मीदवार इस्लामाबाद मेरिनर होटल में इकट्ठे हो रहे। वहाँ पे इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे उन्होंने ब्रिस्टर गोहर ने इंटरनेशनल मीडिया भी बुलवाई है वहाँ पे, और नेशनल मीडिया भी वहाँ पे बैठी होगी। दोनों मीडिया के सामने तमाम उम्मीदवार एक एक करके अपना फॉर्म 45 दिखाएंगे कि ये मेरे हलके का फॉर्म 45 है और इस पोलिंग स्टेशन से मैं इतने इतने वोटों से जीता हूँ। लेकिन मेरी जीत हार में बदल दी गई फॉर्म 47 के मुताबिक। और इसी पे एक छोटी सी, आजकल सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड काफ़ी चल चुका है कि अच्छी खासी जहल अवाम थी, खान ने जेल में बैठे फॉर्म 45 और 47 सिखा दिया। तो ये फॉर्म 45 अब इनके गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि मांग थांग की हुकूमत बनाई है इन्होंने, और टोटल जो सीटें जीती है नून लीग वो 24 से 25 सीटें हैं, बाकी तमाम सीटें तो इन्हें ज़बरदस्त दिलवाई गई हैं, जोर डाल के दिलवाई गई है, और अपनी पावर शो करवाने के लिए दिलवाई गई है। और वो पावर का अब जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो तमाम चीज़ें सबूत रखे जाएंगे और तमाम चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, तो वो इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में ये चीज़ दिखाएगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह के होते हैं, तो क्या होगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो पाकिस्तान की बदनामी पहले ही बहुत आप लोग करवा देते हो, तो खुदारा मजीद और बदनामी ना करवाओ, और जो सच है उसे आप खुद तस्लीम कर लो, बजाय कि कल 17 फरवरी को इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे आकर तमाम आपके पोल खोले, आपको चाहिए आप खुद उस गलती को तस्लीम करते हुए इस गलती को ख़त्म करें। और साथ साथ छोटा सा एक ट्विस्ट आपको सुनाता चलूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दूसरा रास्ता कौन सा है हुकूमत में आने का, वो है बूढ़ पालस करना, हाथ जोड़ना, अपनी इज्जत नफ्स को खोना। तो मरियम साहिबा से यह गुजारिश है कि अब क्या हुआ, बूढ़ किसने पालस किए, किसने हाथ जोड़े अपनी हुकूमत लाने के लिए, वज़ीर आला पंजाब तो आप बन गई, किस तरह बनी, क्या आपके पास इतनी सीटें थी कि आप वज़ीर आला पंजाब बनती, कौन सी सीटें आपने जीती, आप तो अपोजिशन में बैठने के काबिल भी नहीं थे, क्योंकि आप अपनी सीट तो जीते भी नहीं हो, आपको जितवाई गई है, तो जाहिर बात है फिर आपने भी हाथ जोड़े हैं, बूढ़ पालस किए हैं, अभी आपको सीट मिली है ना, तो आप अब हम आपको ये हर बार याद करवाते रहेंगे कि दो रास्ते हैं हुकूमत में आने के, एक अवाम लेके आती है, दूसरा होता है हाथ जोड़ के खड़े होना, बूट पॉलिश करना, अपनी इज्जत नफ्स को खोना। तो मरियम साहिबा हम आपको याद करवाते रहेंगे, आपके वालद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब को याद करवाते रहेंगे, हम आपके चाचा शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को याद करवाते रहेंगे कि दूसरा रास्ता ये है, बूट पॉलिश करना, हाथ जोड़ना, अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करना, तब मिलती है हुकूमत। तो इंशाल्लाह आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, आपको याद करवाते रहेंगे और 25 करोड़ आवाम की तर्जमानी भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जो भी हकीकत जो भी सच है अपनी आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।